हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल व्लॉग। ऐसी चाय बनाते हैं जिसमें चीनी नहीं डालते। बिना चीनी की चाय अभी तक पीने वाली थी। अच्छा, मैंने नहीं पी। ऐड करने भूल गया यार, ये क्या बात है, ऐड करना भूल गया। जो चाय बनाता उसको याद होना चाहिए कि चीनी होनी चाहिए इसमें। भूल गया, एनिवर्सरी का गिफ्ट मिल गया ना, चीनी भूल। गाइस, आ चुकी है हमारी चाय और राजकुमार जी बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक और अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता भी बनाना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, तो चलिए चलते हैं पहले। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं फटाफट से तैयार हुई हूँ। मैंने आपने देखा होगा इयररिंग्स पहने हैं और नॉर्मल से जो बाल है स्ट्रेट करें नीचे से रोल कर कर। और अब हम जा रहे हैं नोएडा क्योंकि मैंने बहुत सोचा हम कहाँ जाए घूमने की। बहुत सारी जगह थी पर ऐसी नहीं थी कि मतलब जिसमें आपकी फ़ैमिली इंजॉय कर सके और जो राजकुमार जी को थोड़ा ठीक लगे। तो उनके हिसाब से मैंने एक जगह ढूंढी है जिसके लिए वो भी एक सरप्राइज़ है और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे भी पता नहीं है वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज जितनी मैंने वीडियो देखी है उसमें बहुत ही अच्छा मतलब उसमें दिखाया गया है। तो हम जा रहे हैं नोएडा और चौकी हवेली जाएंगे हम। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है क्योंकि राजस्थानी कल्चर राजकुमार जी को बहुत पसंद है इसलिए जो है मैंने ये जगह चुनी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का। हम पहुँच गए हैं और यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ना दिल्ली हाट की तरह यहाँ पर भी बना हुआ है एक हाट बहुत बड़ा जहाँ आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और उसी के बिल्कुल बराबर है चौकी हवेली। तो यहाँ से आप एंट्री करोगे तो एक तरफ है चौकी हवेली और एक तरफ है दिल्ली हाट। हम आ चुके हैं चौकी हवेली जो कि बहुत दिन से सोच रही थी आने के लिए कि मुझे यहाँ आना है, बट फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है इधर आने के लिए। तो हम करेंगे एंट्री। तो जी जाने के लिए आपको यहाँ एंट्री करानी पड़ेगी और एंट्री फीस है एक जने के 600 रुपये मान लो आप GST लगाकर। उसमें आपका खाना पीना जितनी मैं आपको यहाँ शीट दिखा रही हूँ ये चीज़ें यानी यहाँ पे सब फ्री है। आप खा पी सकते हो, मेहंदी लगवा सकते हो, हेड मसाज करा सकते हो, वो सब आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा। और अब चलिए हम यहाँ एंट्री करते हैं। उससे पहले देखिए विहान की यहाँ आती लॉटरी लग गई, इनको यहाँ आते देखिए बलून मिल गए इतने सारे खेलने के लिए जो कि आपको पता है बिहार को बलून कितने पसंद है। तो जी अब हमने कर ली है अंदर एंट्री और एंट्री करने के बाद ये जो आपको दो स्टॉल दिख रहे हैं इधर ये आपको जो पैसे दिए हैं आपने 600 रुपये उसमें इंक्लूड नहीं है, 590 की टिकट है और 600 ही मान लो जैसे कि मैंने बोला था। इसके बाद इन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया, ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी था। मैंने तो नहीं पिया लेकिन राजकुमार जी कह रहे थे बहुत अच्छा। इन्होंने 3 दिन बार पिया और इन्हें बहुत अच्छा लगा, प्लस विहान को भी बहुत अच्छा लगा और देखने में भी काफ़ी पैम्परिंग लग रहा था। जी अभी आपने जो डांस देखा है यहाँ एक चौपाटी है वहाँ पे आप अपने पसंद का गाना लगवा के डांस कर सकते हो। हमने भी किया था बहुत सारा डांस जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और सबसे पहले जो है अब हम जा रहे हैं मिट्टी के जो घड़े वगैरह बनाते हैं कुम्हार के पास। दिया बनाना है अभी। दोनों थंब लगाइए ऐसे यार। मम्मा का हैंड उठाओ बेटा। क्या तुम तो यार
यार राजस्थानी हो तुम्हें तो ये सब कुछ आना चाहिए। मुझे तो फिर भी चलो मैं नादान हूँ। तो गाइस ये देखिए राजकुमार जी से बन ही नहीं रहा था ये, और ये काम दिखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन वाकई में बन ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था और मुझे बहुत हंसी आती है। और काफ़ी देर की मशक्कत के बाद राजकुमार जी ने बनाया था एक दिया, और उसके बाद मेरी बारी आई और वाकई में मुझसे ही नहीं बन रहा था। तो मैं सोच रही थी यार इनसे कैसे बनेगा, इनसे भी नहीं बना, और देखिए फाइनली एक दिया जो है राजकुमार जी से बन गया था। और अब ये भैया जो है काट के भी देंगे, अगर आप चाहो तो इसको अपने घर भी ले जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है अगर आपको लेकर जाना है या नहीं। तो ये फाइनली देखिए बन चुका है दिया आराम से हल्का से। इतनी मेहनत के बाद फाइनली मैं भी बनाऊंगी एक दिया, और ये मुझसे भी बन नहीं रहा था। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था यार कितना मुश्किल काम है, बन ही नहीं रहा। मतलब इन्होंने मुझे इतना बताया कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन वाकई में बन ही नहीं रहा था। मुझे देख रही थी तब मुझे लग रहा था कि यार ये तो मैं ऐसे ही बना लूँगी, मतलब 2 मिनट में बना लूँगी इसको तो मैं, लेकिन यार ये 2 मिनट का काम नहीं है। जो काम करता है उसे ही पता चलता है कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। और मैं उठ रही थी कि भैया मुझसे नहीं होगा, पर भैया ने बोला नहीं नहीं आपसे होगा, क्यों नहीं होगा, बनाओ दोबारा ऐसे उंगली करो। फिर मैंने इसको अपने अंगूठे की मदद से बनाया, और उसके बाद फाइनली मैंने देखिए एक दिया बना दिया है। और अब भैया जो है इसको ही जो है काट के देंगे ले जाने के लिए, अगर आप ले जा सकते हो तो। हम भूल गए थे जल्दी जल्दी में, हमें याद ही नहीं रहा कि हमें ये लेकर भी आना है वापस। ये देखो इसको देखो कितनी शैतानी करता है यहाँ पे। हाँ चौपाल पार्टी में आइए, सूफी गजल कवाली राजस्थानी लोगी सुनिए, आओ जी पधारो साहब। तो ये हमने आइसक्रीम ली थी, इसमें इंक्लूड नहीं थी, खाना इंक्लूड था बस। और ये इसने हमें 50 रुपीस की दी थी, और इतनी बड़ी थी कि हम तीनों ने एक साथ इसे खा ली थी क्योंकि इतनी बड़ी थी ये। उसके बाद ये है मेहंदी, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ मेहंदी वगैरह लगवा सकते हो, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप फ्री में यहाँ मेहंदी वगैरह लगा सकते हो। और अब हम जाएंगे जादू देखने, मैजिक देखने। नाचे मत भाई नाचोगे, दाना पानी कुछ नहीं दूंगा, तैयार हो जा बाहर आ। सबको देखा ये देखिए सर मैडम जी, ये पकड़ लिया हमेशा, ये देखिए सर मैडम जी, ये है उनका मंडी और ये उनका कान, देखिए हम पर्दे से बाहर निकाल देते। चल भाई तू यहाँ बैठ जा, तेरे को बाद में देखूंगा आराम से। बाबा देखिए सर मैडम जी, इसमें छोटी सी जानो की इसको मैं मार दूँ तो मर जाए, छोड़ दे तो कुत्ता ले जाए। तो बताइए सर मैडम जी, आप इसको मार दिया, इसका जोड़ा बना जोड़ा सर, ये लीजिए सर मैडम जी, इसका जोड़ा बना जा भाई, इसका जोड़ा ले क्या जोड़ा। देखिए सर मैडम जी बन चुका है, तो बोलिए सर मैडम जी दिखा दे, बताइए पर्दा लगा के दिखाऊं या फिर खुला। चलो मैजिक था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये मेरा दिमाग जो है बिल्कुल चल नहीं रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया मुझे देखकर। और सच में यार यहाँ विजिट शेर, 3 शेर एक साथ, एक वहाँ, 2 ऐसे। कैसे हो गए दादा? टू टू है हाथ दो लो गाइस, अब हम धोएंगे इधर हाथ फिर चलते अंदर। तो भाई ये यहाँ का सिटिंग एरिया है, और अगर किससे बैठा नहीं जा रहा यानी बैठ के खाने में दिक्कत है तो आगे टेबल वाला एरिया भी है, आप आराम से टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे तो यार बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, और राजकुमार जी को भी बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि हम बैठ कर ही खाना खाएंगे। और जो खाना बैठ कर खाने में मज़ा आता है वो खड़े होकर खाने में नहीं आता है, तो हम आराम से बैठ चुके हैं इधर। मोट बाजरे की खिचड़ी विद देसी घी, और ये क्या भूरा
घी बूरे के साथ। ये खाना इंक्लूड है, फ्री है। इन्होंने मुझे दी थी 5 तरह की सब्जी, मीठे में सेवैया, चूरमा, लहसुन की चटनी, मोट बाजरे की खिचड़ी, दाल बाटी और बाजरे की रोटी, नॉर्मल रोटी और घी भर भर के। तो मज़ा आ गया और अब हम जा रहे हैं कहाँ, आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा कठपुतली का। ये देखो है उसके अंदर है, ये फोटो ले रही हूँ वीडियो। ये देखिए देखो मारना गुड़ गुड़ मारा फोटो गुड़ गुड़ कांच करूंगा इसमें ओरिजिनल थोड़ी। तो जी मैं यहाँ मसाज वगैरह करा सकते हैं और ये आपके टिकट में इंक्लूड है, बिल्कुल फ्री है ये भी। ये है मसाज का यहाँ पे अगर आ रहे हो आप तो मसाज करवा सकते हो। तो भाई इधर मौसम हो गया था बहुत ज्यादा अच्छा और ये भी हाँ देखिए कैमल छोड़ ही नहीं रहा था इसको, बार बार घूम घूम के जो है कैमल पे बैठ रहा था। संस्कृति की हम कितनी बात कर कम है, तो जरा देखते हैं राजस्थानी डांस। आइए भाई, ये जो डांस कर रही थी कभी कीलों के ऊपर इन्होंने चढ़ के डांस किया, फिर इन्होंने कांच के ऊपर डांस किया, उसके बाद इन्होंने अपनी दोनों आंखों की पलकों से जो है आगे मैं आपको दिखाऊंगी उनसे जो है इन्होंने दोनों ब्लेड उठाए वो भी जमीन के ऊपर से। मतलब यार राजस्थानी संस्कृति को सलाम है, हैंड्स ऑफ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
गई हूँ पूजा करके नीचे, और मेरा व्लॉग किचन के बिना आपको पता है बिल्कुल अधूरा है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज का बनाना है मुझे, तो मैं इसलिए लाई तो पनीर थी लेकिन अब मुझे बनाने पड़ रहा है, क्या बना रहे हैं, आलू के पराठे। और डांस वगैरह करके मैं इतनी थक गई थी गाइस, क्योंकि मैं आधे समय मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस ये था जल्दी से घर जाना है क्योंकि घर वालों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं घर आ गई थी जल्दी से, और पापा जी का व्रत था इसलिए बिना लहसुन प्याज का जो है आज खाना बनेगा। तो हमने सोचा हम बना लेते हैं आलू के पराठे और रायता बना लेते हैं बूंदी का, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है और मौसम भी थोड़ा भी ठंडा है तो खाने में ठीक ही लगेंगे। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब रात के समय अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भाभी और हम बातें कर रहे थे और अपना खाना जो है बना रहे थे दोनों मिल मिल के साथ में। तो यही होता है दो जनों से, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ दो जने होते हैं तो काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता। और पहाड़ से आके कुकिंग करना तो वैसे ही आपको पता है कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है, थकान हो जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाता इतना। भाभी बना रही है, लड़के चूड़ी नहीं पहनते, और मैं प्रिपरेशन करूँगी इसकी, यानी आलू पराठा। दो ही पराठे लेके चलूंगा, बाकी इससे थोड़ा इनका लगा होगा। ठीक है, थक गई हूँ इतना, हुलिया कैसा हो चुका है यार। पराठे तो हो रहे हैं हमारे गरम, और पंखा गरम चलाती हूँ यार। मैं जो है अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और हैप्पी एनिवर्सरी दोबारा से आपको बहुत बहुत। तो बस अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, आरके बिनवल ब्लॉग को।